हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई है। हाथरस केस को लेकर जातीय दंगा फैलाने की साजिश के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस ने चारों आरोपियों को मथुरा के मांड से गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के बताए जा रहे हैं। यूपी पुलिस का दावा है कि गैंगरेप की वारदात के बहाने ये यूपी को हिंसा की आग में झोंकना चाहते थे। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी केरल के मलप्पुरम का रहने वाला है। दावा है कि इनके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप और भड़काऊ दस्तावेज बरामद किए जिनकी मदद से ये अपनी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में थे। तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास। हाथरस में दंगा कराने की साजिश में पीएफआई के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। यूपी को किस तरह से दंगों में झोंकने की साजिश थी ये हम आपको बता रहे हैं इस खबर के जरिए। अतीकुर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम, ये वो चार चेहरे हैं जिन पर हाथरस कांड के बहाने साजिश रचने का आरोप है। ये वो लोग हैं जो हाथरस के नाम पर यूपी को जातीय दंगों की आग में झोंकना चाहते थे। दावा है कि इनके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप और भड़काऊ दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनकी मदद से ये अपनी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में लगे थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के इन कार्यकर्ताओं को यूपी पुलिस ने मथुरा के मांड थाने से गिरफ्तार किया है। इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी उस खबर के बाद आई है जिसमें यूपी की सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया था कि एक फर्जी वेबसाइट के सहारे यूपी में हिंसा की साजिश रची गई है। दावा है कि हाथरस को लेकर जातीय हिंसा फैलाने के लिए रातों रात एक वेबसाइट बनाई गई। दावा है कि इस वेबसाइट में हाथरस को लेकर हिंसा की आग भड़काने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है सब कुछ विस्तार से बताया गया। नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा में शामिल पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों ने वेबसाइट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। वेबसाइट के जरिए पीड़ित परिवार के नाम पर पैसा इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल दंगा भड़काने के लिए किया जाना था। विरोधी हाथ पे हाथ धरे हुए तो नहीं बैठेगा, वो साजिशें रचेगा, वह षड्यंत्र करेगा। आपने देखा होगा किस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, किस हद तक षड्यंत्र हो रहे हैं। दावा है कि वेबसाइट में कहा गया कि चेहरे पर मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शनों की आड़ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाओ। दावा ये भी है कि जिन संगठनों ने जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट बनाई उनके तार कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी जुड़े हैं, लेकिन विपक्ष योगी सरकार के दावों को खारिज कर रहा है। जब खुद बैकफुट पे वो आते हुए नजर आ रहे हैं तो ये फर्जी एक कहानी घड़ी गई है कि एक हैशटैग हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काने का, दंगा भड़काने की कोशिश की गई। तो हाथरस की घटना ने तूल कब पकड़ा? जब उस बेटी की डेड बॉडी को रात में जला दिया गया। तो जलाया किसने? योगी की पुलिस ने। जलाया किसने? योगी के डीएम ने। तो इसका मतलब उस साजिश में क्या योगी जी की पुलिस और योगी जी का डीएम भी शामिल है? साफ तौर पर जिस तरह से आज वेबसाइट सामने आ रहे हैं जिस पर भड़काऊ नारे, भड़काऊ जिस तरह की चीजें, सामग्री डाली जा रही है, इससे साफ हो गया है कि बहुसंख्यकों में आपस में फूट डाल के ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। हाथरस को लेकर यूपी पुलिस जिस तरह की साजिशों की बात कर रही है उसमें आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और तभी उन साजिशों से पूरी तरह पर्दा उठ सकता है। विकास पे खुद मौजूद थी वहां जब पत्थरबाजी होना शुरू हुई और हालात खराब हुए, और वाकई में अगर हिंसा भड़क जाती, दंगे भड़क जाते तो हालात बहुत खराब होते। सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी रणवीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रणवीर, ये गिरफ्तारी केवल चार पर ही थम जाएगी या फिर कुछ और नाम भी आ सकते हैं सामने? नहीं, कुछ अभी गिरफ्तारियां और ज्यादा हो सकती हैं। इस यूपी पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं लगातार इस मामले में पूछताछ पड़ताल कर रही हैं। और ये देखिए, कल इस बात का खुलासा हमने किया था, हमने बताया था कि किस तरीके से इस जो हाथरस का मामला था, वेबसाइट बनी, वेबसाइट रातों रात बनी, विदेशों से फंडिंग हुई और उसके बाद उस वेबसाइट पर आपत्तिजनक कंटेंट डालकर लोगों को उकसाने और भड़काने की साजिश रची गई, जिसकी जानकारी जब जांच एजेंसियों को हुई उसके तुरंत बाद वेबसाइट को बंद कर दिया गया। अब यूपी की जांच एजेंसियां इस बात की तफ्तीश कर रही हैं कि आखिर ये वेबसाइट किन लोगों ने बनाई, किस मकसद से बनाई, कौन कौन शामिल था, फंडिंग किसने की। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच हो रही है और ये प्राइमरी लेवल की जांच है जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चार अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं जो
माट इलाके से मथुरा में गिरफ्तार किए गए हैं। तो फिलहाल इनसे कल से पूछताछ शुरू हुई है। अब इस पूछताछ के बाद जो इनके बैंक अकाउंट्स हैं, बाकी सारी जानकारियां हैं, उन जानकारियों को लेकर के जांच एजेंसियां अपना दायरा बढ़ाएंगी और कुछ और गिरफ्तारियां होनी संभव है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस बड़ी जानकारी के लिए। रणवीर ने ही खबर ये ब्रेक की थी और बताया था कि किस तरह से देश को जातीय दंगों में झोंकने की साजिश रची जा रही थी। हाथरस केस में हर तरफ से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर डीएम का नंबर कब आएगा। पीड़ित का शव जलाने से लेकर परिवार को धमकाने तक के आरोप हैं और डीएम अब कहीं नजर नहीं आ रहे। कब जाएगी कलेक्टर की कुर्सी जानिए। हाथरस में लगातार हंगामा हो रहा है, कभी लाठीचार्ज तो कभी स्याही कांड। हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राजनीतिक दलों की होड़ भी जारी है। हाथरस में चल रहे एक्शन के बीच सवाल की सुई यहां आकर अटक जाती है कि आखिर कलेक्टर की कुर्सी क्यों सुरक्षित है। चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं और हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पूरे सीन से गायब है। डीएम प्रवीण कुमार पार्टियों से लेकर परिवार तक सबके निशाने पर है। परिवार की मिन्नतों के बावजूद पीड़िता के शव को आधी रात में जलवा दिया जाता है। डीएम आंगन में बैठकर पीड़ित परिवार को धमकाते हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले में आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, दो चार बजे निकल जाएंगे। इतना कुछ होने के बाद भी डीएम अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने वाली प्रियंका गांधी ने एक बार फिर डीएम पर कार्रवाई की बात कही है। प्रियंका ने लिखा, यूपी के सीएम साहब ने संवाद से समस्याओं को हल करने की बात कही, तो क्या वो पीड़ित परिवार की बात सुनेंगे? हाथरस डीएम पर कार्रवाई कब? न्यायिक जांच के आदेश कब? न्याय की पहली सीढ़ी है पीड़ित लड़की की बात सुनना। वास्तविकता ये है कि बीजेपी आज भी लड़की के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। आप सांसद संजय सिंह भी डीएम प्रवीण कुमार पर कार्रवाई में पेज को योगी से जोड़ रहे हैं। हिम्मत से काम किया देखिए, डीएम पर कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि उसके पास सीएम की पोल है, वो खोल देगा पोल। विपक्ष सवाल उठा रहा है, वही खबर अब ये आ रही है कि डीएम पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार के तबादले पर विचार किया जा रहा है।